टेकचंद जिंदाबाद जिंदाबाद, टेकचंद शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। माहौल बीजेपी पार्टी है जी, और टेकचंद शर्मा जी ने बहुत पहले बहुत अच्छे काम करे। किसका माहौल लग रहा है इस बार? यहाँ तो जी ज्यादातर तो वाको जी यू भाजपा टेकचंद शर्मा। लगातार हरियाणा फरीदाबाद की विधानसभाओं के बीच में जा रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी विधानसभा में किसकी लहर है, कितना विकास हुआ है और इस बार लोग किसको रखना चाहते हैं और किसका चेहरा बदलना चाहते हैं। फिलहाल अभी पहुंचे हैं प्रितला विधानसभा में, लोगों से जान रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं और अभी हमारे साथ एक बाबा जी हैं, बाबा जी से जान धर्म पहलवान जी। तो ये कौन सा इलाका लगता है बाबा जी? ये फतेहपुर से लगता है सर। फतेहपुर बिल्लोच, हाँ जी, इधर पलवल तहसील है समाधि के पास पीछे। अच्छा, ये लगभग कितने वोट हैं यहाँ पर? यहाँ तो हमारे जी 15 भाई हैं हम जी। आप 15 भाई हो? हाँ जी। अगर पूरे फतेहपुर बिल्लोच की बात करें तो लगभग कितने वोट हैं यहाँ? बस सर मैं कहना सकूँ, मैं तो कहीं राजनीति में जाऊँ ना हूँ जी। अच्छा। मैं तो खुरपो चलाता रहूँ और यहाँ पे इन भिंडी ने छांटूं। ये खेतों में ही रहते हैं? खेतों में रहता हूँ जी। चलिए, मैं तो मॉर्निंग में आऊँ और शाम को चले जाऊँगा। अच्छा, तो किसका माहौल लग रहा है इस बार? यहाँ तो जी ज्यादातर तो वाको जी यू भाजपा टेकचंद शर्मा। टेकचंद शर्मा का माहौल लग रहा? हाँ जी, भाजपा के नाम पे, टेकचंद शर्मा के नाम पे। हाँ, भाजपा 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 के जो झंडा लग रहा हो फूलवारे को। अच्छा। हाँ, या को जोर नैनपाल रावत भी तो भाजपा को समर्थन देते थे। हाँ, तो वो भी सब आ जाएंगे, आ जाएंगे? आ जाएंगे। हाँ। लड़ रहे हमारा मेरा साडू वाई के दौरा खा पी रहा है। अच्छा। 500 रुपया रोज ले रहा खेड़े थे मैं अंदर। ये तो आप अंदर की खबर दे रहे हो और क्या, 500 रुपया रोज ले रहा हूँ मैं नैनपाल में। बीजेपी में आ जाएंगे? हाँ, पता ना दुनिया दर बदल की है। माहौल बीजेपी पार्टी है जी, और टेकचंद शर्मा जी ने बहुत पहले बहुत अच्छे काम करे इससे पहले योजना में। अच्छा। तो उनका बहुत ज़बरदस्त जोर शोर है सारी बिरादरियाँ। अच्छा। चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई जो है कुम्हार समाज हो, कोई भी समाज हो, यानी कि कुल मिला के पूरी तरह से लगे हुए और हर तरह से टेकचंद शर्मा जी बाहर निकलेंगे बिल्कुल जो है। और मंत्री टेकचंद शर्मा जी के नाम पर वोट है या बीजेपी के नाम पर वोट है? देखो जी, टेकचंद शर्मा जी के नाम से भी वोट है, उनका चेहरा भी है और दूसरा पार्टी भी जो है राष्ट्र लेवल की पार्टी है, पार्टी का तो नाम है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नैनपाल रावत जी जो हैं निर्दलीय चुनाव लड़े थे, समर्थन दिया था बीजेपी को, कितना विकास हुआ है प्रितला का? देखो जी, प्रितले में ना एक ईंट भी लगाई कहीं ना, काई के दुख सुख में शामिल हुए जब ते बने हुए। अच्छा। तो उसको कोई जनाधार बेचारे का है नहीं। अच्छा। और उन्हें तो अब की बार जो है इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था, पिछली बार इनको इसी सहानुभूति पे जो वोट दी थी, भाई कोई बात नहीं कई बार से लड़ रहा है और ये फिर भी बीजेपी का, ये चलो दे दो इसको, तो पिछली बार बना दिया। अच्छा। अब की बार इनको जो है इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था, इलेक्शन के योग्य नहीं थे। नैनपाल और जो है क्या नाम है रघुवीर यादव जीतने का सवाल ही नहीं है। टेकचंद के सामने जी कोई भी पार्टी टिकने वाली और कोई पार्टी का वजूद है ही नहीं, क्योंकि उनका चेहरा जो है, इनके जो कार्य हैं उनके इतने ज़बरदस्त कार्य हैं जिनको जो नकारा नहीं जा सकता। पार्टी में ना होने होते हुए भी उन्होंने जो है जितना भी जो है कार्य के लिए, अपने कार्य के लिए पार्टी को ना देखते हुए बीजेपी को समर्थन जो किया उसमें विकास बहुत ज़बरदस्त किए, तो इसीलिए जो है शर्मा जी के चेहरे को बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है, तो यही बनेंगे। चलिए, फिर वो तो माहौल बताएगा। टेकचंद जिंदाबाद जिंदाबाद। टेकचंद शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। टेकचंद शर्मा अगर विधायक बन जाते हैं, हाँ जी, कितना विकास होगा प्रितला का? विकास इंडस्ट्री का सब फायदा ही फायदा होगा, सड़क बढ़िया बन जाएंगी, नाली गांव बढ़िया बन जाएंगी, हर तरह की फायदा होगा मौजूद। नैनपाल रावत के राज में नहीं हुआ वहाँ में इतना हो, आज ही मर रहे हैं, आप भी देख रहे हो हम भी देख रहे हैं, देख रहे हो किधर कितने खड्डे हुए पड़े हैं सड़क में। ये है जी, टिकट ही नहीं दिया, टिकट काट दिया नैनपाल रावत का, देगी नहीं टिकट। किसके गेहूं? हमारे गेहूं ने खाया, आपके हमारे सब गेहूं है वे, हापुड़ वाले जो गोदाम है वे आपके हमारे ही थे, गवर्नमेंट हमारी आपकी थे, हमारे हिस्सा खा गया वे। कौन? नैनपाल रावत,
जो मत पूछो, मैं खुद उसके मैं अनपढ़ ना हूँ, खुद बताऊंगा आपको हर चीज। और पूछो क्या पूछा हो, खा गया कैदी, मत गेहूँ खराब हो, मत छींच के दिया। तो हाँ आप देख रहे हो, तुम चमक तो आप भी देख रहे हो ना, क्या चमक रहे हो, जो आदमी गिर गए ठोकर खा के मर रहे हैं, ये चमक रहे हो, ये और मौत उला रहे हो हमारी ये। हाँ निर्दलीय खड़े हो गए इस बार नैनपाल साहब, क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैं तो कुछ नहीं कहता जी, मैं बाहर का हूँ मैं यहाँ। अच्छा। हाँ। क्या लगता है इस बार किसका माहौल है पृथ्वी में? देखो जी अब किसका माहौल है, वैसे तो अब तो ज्यादा जोर तो रघुवीरा का भी है, टैक्सन का भी है। अच्छा। हाँ और अब देखो जी अब कौन आता है कौन नहीं आती है, सरकार किसकी आती है, मतलब दोनों बीजेपी और कांग्रेस में ही टक्कर है। हाँ जी डागर का क्या है? कुछ नहीं है जी, अपने पैसा कुछ नहीं है, डागर का कोई नाम नहीं है। बाबा जी क्या लग रहा है इस बार किसको पहुंचा रहे हैं विधानसभा में? कोई पता नहीं भाई, सब गोलमोल मामला चल रहा है, गोलमोल मामला चल रहा है, साइलेंट वोट है, सब गोलमोल है भैया, कुछ ना बता अभी नहीं। वैसे लग किसका माहौल रहा है इस यहाँ से दयालपुर से, किसका माहौल लग रहा है? दयालपुर से बीजेपी का माहौल है भैया, पृथला से। हाँ जी कौन खड़ा है बीजेपी से? टेकचंद शर्मा। टेकचंद शर्मा आए? हाँ कितने बार आए। अच्छा चलो आप तो वोट मांगने आए हैं, जब उनको टिकट नहीं मिला था उससे पहले आए कभी? बिल्कुल आते हैं। अच्छा हाँ काम वाम भी करवाए पहले? विधायक रह चुके हैं, काम करवाए भैया उन्होंने, बढ़िया काम करवाए भैया, बढ़िया बढ़िया उन्होंने। अच्छा हाँ जी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।